रामपुर बुशहर के साथ लगते बदराज के ग्रामीण हुड़तंगियों से खासे परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया कि रोजाना आसपास के क्षेत्रों से कुछ युवक नशे की हालत में बदराज पहुंचकर लोगों को डराते धमकाते हैं। स्थानीय लोगों के अलावा व्यापार मंडल व महिला मंडल की सदस्यों ने इसकी शिकायत उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन से की और प्रशासन से उन पर कार्रवाई करने की मांग रखी। बदराज के निवासियों का कहना है कि पिछले कई दिनों से बदराज में कुछ युवकों द्वारा माहौल खराब किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आसपास के क्षेत्रों से ये युवक नशे की हालत में हर आने जाने वाले से गाली गलौज करते हैं, जिसके चलते क्षेत्र की महिलाओं का बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है। लोगों ने बताया कि ये युवक बदराज में तेज रफ्तार में अपनी गाड़ियां भी बार बार दौड़ाकर लोगों को परेशान करते हैं और कभी बीच सड़क में या किसी की दुकान के सामने अपनी गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिसका विरोध करने पर ये युवक हथियार दिखाकर लोगों को डराने धमकाने से भी पीछे नहीं हटते। वहीं लोगों ने बताया कि वे इसकी शिकायत रामपुर पुलिस से भी लिखित रूप में कर चुके हैं, लेकिन पुलिस द्वारा भी इन हुड़दंगियों पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन से इन शरारती तत्वों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और बदराज में नियमित तौर पर पुलिस गश्त लगाने की भी मांग की है। एसडीएम रामपुर सुरेंद्र मोहन ने बदराज से आए लोगों को उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और कहा कि वे रामपुर पुलिस को भी इस मामले को गंभीरता से देखने के निर्देश जारी करेंगे। मैं प्रेम सिंह ठाकुर, व्यापार मंडल बदराज से, यहाँ उपमंडलाधिकारी रामपुर शहर से मिलने आए हैं, क्योंकि आज हमारा व्यापार मंडल बंद है सारी दुकान। पिछले रात को कुछ उड़दंगियों ने वहाँ बड़ा भारी वो गालियां बकी और तोड़ फोड़ की, जिस कारण हमें आज व्यापार अपनी दुकानों को बंद करके यहाँ उपमंडल अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत को लेकर आना पड़ा। हमें सरकार से और प्रशासन से उम्मीद है कि वो हमारी समस्या का अतिशीघ्र समाधान कर। कब से है समस्या? ये समस्या पिछले 15-20 दिन से चले आ रही है, क्योंकि पिछले सोमवार को भी उन्होंने वहाँ आकर हुड़दंग मचाया। वो तो सुबह की बात थी, सोमवार के 5-6 बजे रात खुलते खुलते वही लोग है डेली। हाँ जी, वही लोग है। हाँ जी, वही लोग है। और दो घंटे के लिए रोड भी जाम रखा उन्होंने, दो घंटे के लिए रोड भी जाम रखा उन्होंने। ऐसी बात नहीं बची, हम बिजनेस वाले बंदे हैं, मातली कोई ये नहीं है। हम आज यहाँ बैठे दुकान बंद करके आए, हमारा कोई ये नहीं है, कोई ये नहीं। हमारे लिए चाहिए हमारी सुरक्षा चाहिए, सीधी बात है। हमारे को माँ बहन की गाड़ी निकाल के जाते हैं और हमारे को उस बात के लिए ये चाहिए जी, सुरक्षा चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हम यहाँ पे बैठे हैं आके, इसलिए बैठे हैं। देखो पूरे व्यापार मंडल के लोग हैं, कुछ के नीचे खड़े हैं, सीधी बात कर, नीचे वापसी बात मिलना चाहो कुछ उधर खड़े हैं। और लेकिन हमारे को ये चाहिए कि कर के देखो, ये आ रहे हमारे व्यापार मंडल के लोग हैं सभी जी, आ रहे हैं। पर लेकिन ये जो माँ बहन की गाड़ी निकालने वाले बंदे हैं, उनके लिए हमारे को या तो सजा चाहिए, या तो उनके लिए ये बोल दो कि आप खुद ही उनके लिए सजा दो, तो हम तैयार हैं जी। सीधी बात की बात है, नमस्ते। बाकी जो आप बोले हम उसी के लिए।